फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको हिंदी में आंखें आना कहते हैं, जिसमें आपकी आंखों में रेडिश पन आ जाता है, आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं, आंखों में से पानी आता है, बर्निंग जैसी सेंसेशन होती है, इसमें इवन आपको लाइट देखते हुए भी आंखों में जलन होती है। तो नॉर्मली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कोई सनग्लासेस पहन के रखें। तो नॉर्मली होता क्या है कंजक्टिवाइटिस में, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है। मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन होता है। एक अडीना करके एक वायरस है, जो नॉर्मली आपको सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है, वही ये वायरस है जो आँखों में जाके कंजक्टिवाइटिस क्रिएट कर देता है। ये एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी अगर लो हो तो उस टाइम आपको ये कंजक्टिवाइटिस होता है। तो इसमें करना यह है कि आप जिंक का सप्लीमेंट ले सकते हैं। जिंक आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है इसमें। तो जैसे आपको होता है अगर कंजक्टिवाइटिस, अगर आप उसी वक्त लेते हैं जिंक का सप्लीमेंट, तो ये इमीडिएटली इफ़ेक्ट करता है। अगर आप इसमें लेट कर दें, क्योंकि नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक रहता है, अगर आप बाद में लेते हैं तो तब तक वायरस काफ़ी उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है, तो फिर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसके साथ आप जिंक के साथ आप कॉपर ले सकते हैं। कॉपर जो होता है वो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है, तो ये दोनों कामों के लिए, चाहे आपको वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर आप कॉपर का और जिंक का सप्लीमेंट लेते हैं तो इसमें काफ़ी जल्दी आराम मिल जाता है। तो ये आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए। और इसके साथ अगर आप किस टॉपिक में चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।